हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग टाइप थ्री डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, बाइनोमियल सीरीज का। और टाइप थ्री क्या है और प्रोसीजर क्या है, इसको मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑल्दो उसमें आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं कि क्या क्या लिखा गया है, अभी आप इसको पहले एक बार सुनना, समझने की कोशिश करना और लिखना। समझ में शायद ही आए, बट जब हम एग्जाम्पल ले लेंगे तो हम इन्हीं स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे और फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या चीज यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप थ्री है क्या, जबकि हमारे पास दो बाइनोमियल कोफिशियंट्स का प्रोडक्ट दे रखा हो, और दो दो बाइनोमियल कोफिशियंट्स हैं, उनका प्रोडक्ट है और एक उनके बीच में प्लस माइनस ऐसा करके कुछ साइन लगा हुआ है, या तो सभी प्लस है या तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके की चीजें लगी हुई है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है, वेन सीरीज कंटेन्स प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल कोफिशियंट्स। ठीक है, दो बाइनोमियल कोफिशियंट्स उठाए, उनका प्रोडक्ट किया, ठीक है, प्लस फिर से कोई दो बाइनोमियल कोफिशियंट्स उठाए, उनका प्रोडक्ट किया, फिर से कोई दो बाइनोमियल कोफिशियंट्स उठाए, उनका प्रोडक्ट किया, और इन सभी को एडिशन में लिख दिया। ठीक है, तो एक पैटर्न के अकॉर्डिंग हम बाइनोमियल कोफिशियंट उठाएंगे ऑफकोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपना पुराना काम ही करेंगे, किसको समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में, समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब उसको सॉल्व करने का मतलब क्या होगा, देखिए प्रोसीजर। तो प्रोसीजर कुछ ऐसा है कि इफ सम ऑफ लोअर सबस्क्रिप्ट्स, सम ऑफ लोअर सबस्क्रिप्ट्स, ठीक है, ऑफ टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इन जनरल टर्म इज कांस्टेंट। तो अब इसको भी मैं बता देता हूं, जब जब जनरल टर्म आप लिखते हो तो नॉर्मली क्या करते हो, आर को एज अ वेरिएबल ट्रीट करते हो, है ना, और एन आपका कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाए कि जो लोअर सबस्क्रिप्ट है वो उस वेरिएबल क्वांटिटी आर से इंडिपेंडेंट हो जाए, उनका सम, लोअर सबस्क्रिप्ट्स का सम, लोअर सबस्क्रिप्ट नहीं, लोअर सबस्क्रिप्ट्स का सम, ठीक है, दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं तो लोअर सबस्क्रिप्ट्स उनकी होंगी, उनकी लोअर सबस्क्रिप्ट्स का सम अगर हमारा आर से इंडिपेंडेंट हो जाए या फिर वेरिएबल क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट हो जाए, तो ऐसे में हमें क्या करना है, ठीक है, या तो खुद ही कॉन्स्टेंट हो या तो हम उसे कॉन्स्टेंट बना सके, कैन बी मेड कॉन्स्टेंट, Either it is already constant or it can be made constant. इसका क्या मतलब है, हम कैसे बना सकेंगे उसको हम बन समझेंगे। ठीक है, then multiply corresponding binomial expansion. तो क्या करिए, ऐसे केसेस के लिए आप corresponding binomial expansions को किन का यूज हो रहा होगा उस तरीके के binomial coefficients देने में, उन binomial expansions को यूज करिए, उनका multiplication करिए और उसमें देखिए कि हमें कौन से टर्म की पावर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब बात यही लिखी गई है, करेस्पॉन्डिंग बाइनोमियल कोफिशियंट्स एंड कंपेयर एप्रोप्रिएट कोफिशियंट। ठीक है, कोई एक टर्म की कोफिशियंट क्या है उसको कंपेयर कीजिए, तो कौन सी कोफिशियंट किसकी बात की जा रही है ये अपन एग्जांपल्स के थ्रू ही समझेंगे। ठीक है, अगर देखा जाए, ये वाली बात आपको बहुत कम समझ में आई होगी, एग्जांपल्स में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और एक और चीज है, अभी मैं आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, लेकिन जो आउटकम होगा उसको जब हम यूज करेंगे तो वन लाइनर होगा। ठीक है, कि बिल्कुल एक लाइन में आपको पता चल जाएगा, हाँ आंसर ऐसे लिखना है, लेकिन वो आंसर क्यों ऐसे लिखा जा रहा है इसको हम आप पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूं कि आपसे दिया गया NC0 into NC1, ठीक है, प्लस NC1 into NC2, प्लस NC2 into NC3, ठीक है, ऐसे करते करते अपन निकल गए कहां तक, NCn-1 into NCn, ये आपको सब करना है। ठीक है, तो आप देखिए, इसका सम करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या कहा, एक चीज हमेशा कॉमन रहेगी, आप समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए इसको भी। ठीक है, तो इसको समेशन के फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट किया, तो आप देखो कैसे स्टार्ट करोगे, NCR, तो ये NCR+1, मैंने पहले ही आपको कहा है, आप ऐसा कर सकते हो कि आप इसको NCR लो तो इसको लिखना पड़ेगा NCR-1, लेकिन अपन कभी भी आर माइनस वगैरह ले आना प्रेफर नहीं करेंगे, अपन हमेशा चाहेंगे कि आर छोटी वाली चीज रहे, आर प्लस आगे हम बढ़ दें। ठीक है, R माइनस वन थोड़ा कुछ चीजों में एब्सर्डिटी क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए बेहतर है कि अपन प्लस वाले जोन में ही रहते हैं। ठीक है, तो NCR into NCR+1, R इज वेरिंग फ्रॉम 0 to N-1। ठीक है, आपको ये सम करना था। ठीक है, अब आप देखिए क्या करोगे, अब क्या कहा गया, पहले तो
कि सम अब प्रोडक्ट तो है दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का, मतलब अब आगे का प्रोसीजर अप्लाई होगा कि नहीं होगा वो देखते हैं। तो इफ सम ऑफ लोअर सब्सक्रिप्ट्स ऑफ टू बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इन जनरल टर्म, ये आपकी जनरल टर्म है, तो ये जो लोअर सब्सक्रिप्ट्स है आर और आर प्लस वन, हम क्या चाहते हैं कि इनका सम कॉन्स्टेंट है, ठीक है, या तो कांस्टेंट है या तो हम कांस्टेंट बना दें। तो आप देख सकते हो अभी मैंने क्या बोला था कि वेरिंग क्वांटिटी आर से हमें इस सम को इंडिपेंडेंट करना है। तो अभी क्या दिख रहा है आपको कि सम कितना है 2r plus 1, ऑफ कोर्स r के टर्म्स में दिख रहा है, आपको कैसा चाहिए था, r से इंडिपेंडेंट चाहिए था। तो r से इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, देखिए r इक्वल टू 0 n माइनस 1 और एक को पलट के लिख दो एनसीएन माइनस आर और इंटू एनसीआर प्लस वन, कुछ चेंज थोड़ी ना हुआ, ठीक है, वैल्यूज तो अभी भी सेम ही लिखी हुई है, लेकिन इससे क्या हुआ लोअर सब्सक्रिप्ट का सम कांस्टेंट हो गया, ठीक है, क्योंकि देख सकते हो इसका और इसका सम अब कितना आएगा एन प्लस वन आएगा, जो कि ऑफकोर्स आर से इंडिपेंडेंट है। तो ये वाली चीज हो गई कि कैन बी मेड कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो कहा गया कि अच्छा अब ये प्रोसीजर काम कर जाएगा अगर ये सारी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। और ऐसे अब सम को तो हमने कॉन्स्टेंट कर लिया, लोअर सब्सक्रिप्ट का सम आपका कांस्टेंट हो गया, मतलब अपन कह सकते हैं कि क्योंकि इन दोनों का सम आपका आर से इंडिपेंडेंट है तो अपन बोल सकते हैं टाइप थ्री आपका एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब एप्लीकेबल होगा तो अप्लाई कैसे करना है इसको थ्योरेटिकली समझते हैं हम, ठीक है, क्या इसमें स्टेप्स होंगे क्वेश्चन में। मैं फिर से कह रहा हूँ कि क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको ये जो अभी हम आगे पूरा प्रोसेस करने वाले हैं वो नहीं करना पड़ेगा, आपको एक आउटकम और ऑब्जर्वेशन के तौर पर काम करना होगा डायरेक्टली। लेकिन अभी के लिए हमने पहले इसका एक्सप्लेनेशन समझा, क्या है आपसे कहा जा रहा है कि मल्टीप्लाई करेस्पॉन्डिंग बाइनोमियल एक्सपेंशंस। तो आप सोचो कि ऐसे कौन से बाइनोमियल एक्सपेंशंस होंगे जिसमें ये आपकी इस तरीके की टर्म जनरेट हो, एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू एन सी एन, यही है ना, और ये क्या है एन सी वन, मतलब अलग अलग की बात की जा रही है, ये वाली टर्म कौन से बाइनोमियल एक्सपेंशन में आएगी, ये वाली टर्म्स कौन से बाइनोमियल एक्सपेंशन में आएंगी। तो मतलब आर इक्वल टू जीरो आपने रखा तो एन सी एन, ठीक है, r इक्वल टू ऐसे ही n माइनस वन आएगा एन सी एन माइनस टू आएगा, r इक्वल टू n माइनस वन रखोगे तो एन सी वन आएगा। ये सब कहाँ जनरेट होंगे किस एक्सपेंशन में, तो वन प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन में सारी चीजें आपके पास मिलती ही हैं, ठीक है। इसी तरीके से वन प्लस एक्स की पावर n में ये वाले भी सारे टर्म्स मिली जाएंगे एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री, यही सारे टर्म्स बन रहे हैं ना, आर इक्वल टू जीरो वन टू अगर रखो तो एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री, ये सारी चीजें बन रही हैं। तो आप देखो क्या कर सकते हो, 1 प्लस एक्स की पावर में n का एक्सपेंशन लिया और उनसे बनाया एन सी जीरो, ठीक है, प्लस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, एन सी थ्री इंटू एक्स क्यूब, एन सी एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस वन और प्लस एन सी एन एक्स की पावर। ओके और दूसरे वाली टर्म्स अब सोचो, दूसरे वाली टर्म्स में सोचो 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है, दूसरे वाले टर्म्स जो मतलब ये वाले जो टर्म्स जनरेट हो रहे थे एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री, ये भी कहाँ जन मिल जाएंगे आपको 1 प्लस एक्स की पावर n में। तो 1 प्लस एक्स की पावर n का फिर से एक्सपेंशन लिखो, क्या बनेगा एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स, यहाँ से एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एन सी थ्री इंटू एक्स क्यूब अप टू एन सी एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन सी एन इंटू एक्स की पावर है, ठीक है। अब आप इन दोनों का कहा गया ना कि ये आपने बाइनोमियल एक्सपेंशंस तो कॉरेस्पॉन्डिंग देखने की कोशिश कर ली, नेक्स्ट काम क्या था मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लीकेशन किया, मल्टीप्लीकेशन किया तो इधर आपको समझ में आ रहा है कि भाई इधर तो ठीक है आसान है लिखना, लेकिन इधर क्या है इन दोनों का प्रोडक्ट, तो लिख लेते हैं एक बार एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस एन सी थ्री इंटू एक्स क्यूब, ठीक है, एन सी एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन सी एन एक्स की पावर एन इंटू सेकेंड वाले भी टर्म्स लिख लो एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, अप टू एन सी एन एक्स की पावर एन। अब देखो कि क्या टर्म्स हमें ले आनी थी, तो जब आप आर इक्वल टू जीरो रखोगे तो
तो r इक्वल टू जीरो से हमें क्या पता चलेगा, r इक्वल टू जीरो रखने पे यहां पता चलेगा कि यहां nc n बनेगा और इसमें बनेगा nc 1। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट से आप कोशिश करो nc n निकालने की और दूसरे ब्रैकेट से कोशिश करो nc 1 निकालने की। तो पहले ब्रैकेट से मैंने क्या निकाला, nc n ये वाली चीज, दूसरे ब्रैकेट से मैं फिर क्या निकालूंगा, nc 1। तो आप देखो क्या बन रहा है, इनको जब हम मतलब मल्टीप्लाई करेंगे nc n और nc 1 इन दोनों को, इस टर्म से ये ब्रैकेट, सॉरी इस ब्रैकेट से ये वाला टर्म और इस वाले ब्रैकेट से ये वाला टर्म हमने उठाया, तो उठाया मतलब मल्टीप्लाई किया। ठीक है, पावर्स का एडजस्टमेंट देखना तुम, तो nc n और nc 1 तो मल्टीप्लाई हुए लेकिन साथ में x की पावर n और x की पावर 1 भी मल्टीप्लाई हुए, तो मतलब यहां से आया x की पावर n प्लस 1। ठीक है, अब अपन अपने काम की टर्म से फोकस कर रहे हैं, अब मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो बहुत सारे टर्म आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जो हमारी टर्म्स हैं, जो हमारे लिए जो रिक्वायर्ड हैं, वो टर्म्स के बारे में फिर फोकस करना है। ठीक है, बाइनोमियल में आपसे पास जो जेई एडवांस वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें भी आप देखोगे अक्सर आपसे यही सारे सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं कि आप पावर्स को कैसे हर एक ब्रैकेट से एडजस्ट करते, कोई टर्म ले आने के लिए आपका कोफिशियंट्स वगैरह पूछ दिया जाएगा, बहुत सिंपल सा है ना, तो उसके लिए आपको बेसिकली अलजेब्रिकली मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो पावर्स कैसे आप मैनेज करते हो, बस उसके बारे में ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, जेई एडवांस के अंदर। ठीक है, तो आपको ये मल्टीप्लीकेशन में पावर्स कौन से ब्रैकेट से क्या ले लूं, कौन से ब्रैकेट से क्या ले लूं कि मेरा रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन बन जाए, रिक्वायर्ड पावर जनरेट हो जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखो कैसे कर सकते हो, यहां पे जैसे देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जब आप इसमें से nc n और इस ब्रैकेट से nc 1 उठाते हो तो आपका x की पावर n और x की पावर 1 मिलके x की पावर n प्लस 1 दे देते हैं। फिर देखो आप जब आप r को 1 रखोगे तो क्या होगा, nc n माइनस 1 और इसमें क्या होगा, nc 2। तो आपके पास बन क्या जाएगा, इस ब्रैकेट से आपने उठाया nc n माइनस 1 और साथ में आपके पास आ गया x की पावर n माइनस 1, लेकिन दूसरे वाले ब्रैकेट से आपको क्या उठाना है, r इक्वल टू 1 वाली चीज, r इक्वल टू 1 से क्या आ जाएगा, nc 2। तो nc 2, ठीक है, फिर क्या होगा, यहां से x की पावर n माइनस 1, यहां से x की पावर 2, दोनों मिलकर के क्या बन गए, दोनों मिलकर फिर से x की पावर n प्लस 1 बन गए, प्लस देखिए आप इसी तरीके से आप नेक्स्ट टर्म क्या बनाओगे, r इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग है ना, तो nc n माइनस 2 आएगा। ठीक है, nc n माइनस 2 पहले ब्रैकेट से, ठीक है, और r इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग दूसरे ब्रैकेट से nc 3 आएगा। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट से जब आपने nc n माइनस 2 निकाला तो उसके साथ क्या निकला होगा, x की पावर n माइनस 2, और दूसरे ब्रैकेट से जब आपने nc3 निकाला तो उसके साथ क्या निकला होगा, x क्यूब, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या दे देंगे, फिर से देखो x की पावर n प्लस 1 जनरेट हो रही है। ठीक है, ऐसे करते करते इवन तुम लास्ट टर्म तक भी जाओ तो लास्ट टर्म में तुम्हारा क्या बनेगा, जब r को n माइनस 1 रखोगे तो यहां बन जाएगा nc1 और यहां बन जाएगा nc n, है ना, nc1 और nc n। तो nc1 पहले ब्रैकेट से आप nc1 यहां पे पहुंच गए, तो nc1 उठाया पहले ब्रैकेट से और लास्ट वाले ब्रैकेट से सेकंड ब्रैकेट से मतलब आपको क्या करना है, nc n उठाना है, जब r को आप n माइनस 1 रखेंगे तो nc n बनेगा, nc n उठाना है, तो nc n उठाने के लिए आप इसको उठाओगे, तो फिर से देखो nc n x की पावर n प्लस 1 यही आपका जनरेट हो रहा है। ठीक, तो हमें ये सारी टर्म्स कैसी मिली, ये जो हमें टर्म्स चाहिए थी, हमने ऑब्जर्व किया कि ये जब भी क्लब होती है तो साथ में x की पावर n प्लस 1 आता है, मतलब मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि दिस इज कोफिशियंट ऑफ x की पावर n प्लस 1, ये जो सारी चीजें लिखी हुई हैं वो क्या है, ये कोफिशियंट ऑफ x की पावर n प्लस 1 जब हम क्लब करते हैं। ठीक है, x की पावर n प्लस 1 के सारे टर्म्स को अगर मैं क्लब करता हूं तो उसमें ये सभी जनरेट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। सो दिस होल एक्सप्रेशन या फिर इस तरीके का जो भी लिखा गया है, दिस इज बेसिकली कोफिशियंट ऑफ x की पावर n प्लस 1। आप समझ सकते हो कि x की पावर n प्लस 1 में और कोई टर्म आएगी क्या, नहीं आएगी ना भाई, इसके लिए क्या करोगे, यहां से अगर मान लो तुम nc 0 लेते हो तो यहां तो x की पावर 0 है, तो इसका मतलब इस ब्रैकेट से क्या उठाना पड़ेगा तुम्हें, x की पावर n प्लस 1, तभी तो दोनों के मल्टीप्लीकेशन से x की पावर n प्लस 1 जनरेट होगा, तो इस ब्रैकेट में तो खैर x की पावर n प्लस 1 है ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब nc 0 इसके किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई होकर के आपका x की पावर n प्लस 1 जनरेट नहीं करा सकता। वहीं आप देखो यहां से nc 1 x लिया तो आप इधर से क्या उठा लो, x की पावर n उठा लो अगर, तो तभी x n प्लस 1 जनरेट होगा, तो nc 1 इंटू x और उधर से nc n इंटू x, ये x की पावर n, ये दोनों ने मिलके x की पावर n प्लस 1 क्रिएट किया।
इधर से आप अगर स्क्वायर उठाते हो तो इधर से आपको x की पावर n माइनस वन उठाना पड़ेगा, तभी तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन n प्लस वन जनरेट करा पाएगा। ठीक है, तो आपके बेसिकली ये सारे टर्म्स कौन से थे, वो टर्म्स लिखे हुए थे जो आपके कोफिशियंट ऑफ x की पावर n प्लस वन बनाते हैं। तो यू कैन थिंक कि ये जो चीज थी ये क्या थी, ये x की पावर n प्लस वन का कोफिशियंट था। किसमें? इस मल्टीप्लीकेशन में, 1 प्लस x की पावर 2n। तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये आपका कोफिशियंट ऑफ x की पावर n प्लस 1 है। ठीक है, और आप कहां पे है ये कोफिशियंट, इस मल्टीप्लीकेशन में ही ना भाई, ये और ये बराबर थे। तो अगर यहां पे जो x की पावर n प्लस 1 का कोफिशियंट आएगा वही यहां पे भी होगा। ठीक है, जो x की पावर n प्लस 1, अगर ये टर्म और ये टर्म बराबर है, अल्फा और बीटा बराबर है, तो बीटा में जो x की पावर n प्लस 1 का कोफिशियंट है वही अल्फा में भी x की पावर n प्लस 1 का कोफिशियंट होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है, बेसिकली 1 प्लस x की पावर 2n में कोफिशियंट ऑफ x की पावर n प्लस 1 खोजना है। तो इसको खोजेंगे, तो खोजना क्या है आपको पता है, 1 प्लस x की पावर 2n में x की पावर n प्लस 1 का कोफिशियंट क्या आएगा, 2n cn प्लस 1। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी चीज को ऐसे समझिए, ये तो हमने पूरा थ्योरी इसकी समझा दी कि हम करना क्या चाह रहे हैं और ये सब लिखने का मतलब क्या था। आपने मल्टीप्लाई किया बाइनोमियल एक्सपेंशंस को और कंपेयर किया एप्रोप्रिएट कोफिशिएंट, मतलब आपने देखा कि भाई इधर जो टर्म्स बन रही थी उनके साथ एक्स की पावर क्या आ रही थी, वो एक्स की पावर हमें इधर जनरेट करानी है। ठीक है, या आपने कंपेयर कर दिया, इधर कंपेयर किया आपने x की पावर n प्लस 1 का कोफिशिएंट तो आपकी रिक्वायर्ड सीरीज आ गई, और इधर आपने कंपेयर कराया मतलब कोफिशिएंट फाइंड आउट किया तो दैट वाज 2n cn प्लस 1। तो दैट मींस कि ये सीरीज और 2n cn प्लस 1 बराबर होंगे। तो ये सब क्लब हो के आंसर हो गया आपका 2n cn प्लस 1। ठीक है, अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब हर बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, कैसे सॉल्व करना होगा ये दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आपको देखो क्या कर, एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो तुम, जब आपने ये कांस्टेंट बनाया, ठीक है, इनका सम कांस्टेंट बनाया, तो देखो सम कितना आया था, सम आया था आपका n प्लस 1। ठीक है, और अपर सबस्क्रिप्ट्स का सम अगर देखे तो कितना आया था, 2n, यही लिखा हुआ है 2n cn प्लस 1। तो कुछ नहीं करना है आपको, आप ये लिखे, ये लिखने के बाद अगर सम कांस्टेंट हो गया तो बस वही कहानी खत्म, और अगर नहीं कांस्टेंट हुआ तो एक टर्म आप मतलब ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली जिससे कि हमारा लोअर सब्सक्रिप्ट्स का सम कांस्टेंट हो जाए। तो आंसर आप क्या लिखोगे, आंसर के लिए आप अपर सब्सक्रिप्ट्स का सम कर दोगे और नीचे लोअर सब्सक्रिप्ट्स का सम कर दोगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी सारी पॉसिबल टर्म्स प्रेजेंट हो तब ऐसा होगा, अगर सारी टर्म्स प्रेजेंट नहीं है तो आपको उन टर्म्स को जो मिस हो गई हैं उनको अलग से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि अगर आपके पास सारी पॉसिबल टर्म्स जो इस समेशन में प्रेजेंट हो सकती थी अगर वो हैं तो आप डायरेक्ट आंसर वही लिख दो, और अगर कुछ टर्म्स मिस हो गई हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट करके लिखो। ठीक है, तो ये जो हमने शॉर्टकट अप्रोच बताई या फिर हमने कहा कि इस तरीके से आंसर लिख सकते हो, वो मेथड क्या कह रहा है वो अपन एक बार को डिस्कस करते हैं। अभी मैंने आपको दिखा दिया है कि ये आपका जो आंसर आने वाला था वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, n और n का सम, और नीचे जो आपने कांस्टेंट क्रिएट किया है एडिशन लोअर सबस्क्रिप्ट्स का, ठीक है, उसके बराबर दिख रहा है डायरेक्टली। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि मिसिंग टर्म वाली जो मैंने बात करी उसका मतलब क्या है। तो अपन उसी शॉर्टकट अप्रोच को यहाँ समझते हैं कि ये अगर आपका मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है तो पहले आप क्या करोगे, समेशन लोगे। ठीक है, समेशन लोगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा एन सी आर, है ना, और आपको दिख रहा है साथ में एन प्लस टू सी आर प्लस थ्री, ये आपका जनरल टर्म होगा। आर आपका कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो आर आपका जीरो से लेकर के और ऑफ कोर्स लास्ट में चाहो तो एन तक जा सकते हो, जहां तक भी पॉसिबिलिटी होगी वहां तक जाएगा। ठीक है, अब देखो पॉसिबिलिटी कहां तक होगी भाई, लास्ट में अगर आप एन सी एन लिखते हो, है ना, तो आपको एन प्लस टू सी एन प्लस थ्री तक जाना पड़ेगा ना, समझो कि अगर आपने r को n रखा तो यहां ncn तो बनेगा, ठीक है, लेकिन इधर क्या बनने लग जाएगा, n प्लस टू सी एन प्लस थ्री। अब n प्लस टू सी एन प्लस थ्री बनने का मतलब क्या है कि वो तो टर्म पॉसिबल ही नहीं थी, ठीक है, तो हमें वहां तक जाने की जरूरत भी नहीं है, अपन कहां तक चले जाएंगे फिर, n माइनस वन तक ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि तब ncn माइनस वन एक पॉसिबल टर्म है और उसके बाद n प्लस टू सी एन प्लस टू ये भी एक पॉसिबल टर्म है। ठीक है,
तो हमारी कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो बेसिकली हमारे पास आया क्या कि NCR into n plus 2 CR plus 3, R is varying from 0 to n minus 1, which are giving us some relevant terms, कोई absurd term create नहीं हो रही है, ठीक है? ठीक है इतनी बात? अब देखिए आपका अगला काम क्या था, आपका अगला काम ये था कि आप लोअर सब्सक्रिप्ट्स के सम को कांस्टेंट बनाने की कोशिश कीजिए। तो लोअर सब्सक्रिप्ट्स के सम को कांस्टेंट बनाने के लिए मैंने आपको क्या बोला कि बस आप एक बार या तो देखो खुद ही कांस्टेंट हो, नहीं है तो आप NCN माइनस R वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो। तो इस बार मेरा मन किया कि भाई मैं पहले वाले को एज इट इज रहने देता हूँ, दूसरे वाले को पलट देता हूँ, तो दूसरे वाले से क्या बन जाएगा एन प्लस टू सी एन प्लस टू माइनस आर प्लस थ्री, ऐसा बन जाएगा, ठीक है? तो दिस इज NCR into n plus 2 c n minus r minus 1, ठीक है? ऐसा कुछ r आपका वेरी कर रहा है 0 से लेके n minus 1 तक। तो आपका अब देखिए आंसर क्या लिखेंगे, हमने अभी बोला क्या करना है आपको, अगर सारी टर्म्स प्रेजेंट हो तो आपको बस इतना करना है कि अपर सबस्क्रिप्ट का सम लिख दिया 2n plus 2 c, नीचे लोअर सबस्क्रिप्ट का सम लिख दिया n minus 1, ये आपका आंसर हो जाएगा अगर सारी पॉसिबल टर्म्स प्रेजेंट हैं तो। तो अब देखें कि सारी पॉसिबल टर्म्स प्रेजेंट हैं क्या, तो आप समझ सकते हो कि r इक्वल टू जीरो से पीछे तो नहीं जा सकते, r इक्वल टू माइनस वन तो नहीं रख लोगे, ठीक है ना? इसमें जो टर्म्स हैं वो देखो r इक्वल टू माइनस वन की पॉसिबिलिटी तो नहीं क्रिएट कर रही है, है ना? और भाई क्योंकि nc माइनस वन हो जाएगा, एब्सर्ड टर्म है, r इक्वल टू n की भी पॉसिबिलिटी नहीं क्रिएट कर रही, तो जितनी भी पॉसिबल टर्म्स हो सकती थी वो सभी यहां पे लिखी गई हैं, क्योंकि r इक्वल टू n से ये एब्सर्ड हो जाएगा, r इक्वल टू माइनस वन से ये एब्सर्ड हो जाएगा, तो इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर है, इसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पॉसिबल टर्म नहीं क्रिएट हो रही थी, ठीक है? अब किसी का मन किया वो ऐसा भी कर सकता था कि भाई यहां पे NCR आपने लिखा था और इसको पलटा था, किसी ने ऐसे लिख दिया मान लो कि समेशन ओवर NCN माइनस आर इधर लगा लेते हैं और इसको अब लिख देते हैं n प्लस टू सी आर प्लस थ्री, तो क्या होगा आंसर 2n प्लस टू सी और यहां से आ जाएगा n प्लस थ्री, और आप समझ सकते हो कि ये और ये आपस में बराबर ही लिखे हुए हैं, ठीक है? अब इस चीज को भी मैं एक बार को मतलब एक्सपेंशन जो कर रहे थे, मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे, उसके थ्रू ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का। देखो तो यहाँ पे आप क्या समझोगे, यहाँ आप समझोगे कि ये वाली टर्म्स कैसे क्रिएट होती हैं, है ना? मान लो ये वाला मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये वाली टर्म्स कैसे क्रिएट होती हैं, ये वाली टर्म्स कैसे क्रिएट होती हैं, तो आप क्या करोगे 1 प्लस एक्स की पावर एन से आपके ये सारे टर्म्स क्रिएट हो जाएंगे कि नहीं, ठीक है? तो 1 प्लस एक्स की पावर एन से आपके पास एनसी जीरो क्रिएट हो जाएगा, एनसी वन इंटू एक्स क्रिएट हो जाएगा, एनसी टू इंटू एक्स स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा, अप टू एनसी एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन क्रिएट हो जाएगा और एनसी एन एक्स की पावर एन भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? ओके, फिर आप देखो कि अगर आप दूसरी साइड 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस टू यूज करते हो तो आपके बाकी उधर वाली टर्म्स आने लगेंगी, n plus 2 c3, n plus 2 c4, ये सब कहां से जनरेट होंगे? जब आप 1 plus x की पावर n plus 2 को यूज करोगे, तो ये अपर सबस्क्रिप्टेड मेन रोल प्ले कर रही है हमारे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट सॉरी एक्सपेंशंस डिसाइड करने के लिए। तो n plus 2 c0 और n plus 2 c1 x plus n plus 2 cx square, ठीक है, c2x square और अप टू n plus 2 cn plus 1 x की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास x की पावर n प्लस 1 और लास्ट में आपके पास आ जाएगा n प्लस 2 c n प्लस 2 x की पावर n प्लस 2, ठीक है? अब आप अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो ध्यान से देखो 1 प्लस x की पावर 2 n प्लस 2 तो यही क्रिएट हो गया, इधर आपको क्या टर्म्स चाहिए थी, तो इधर आपके पास देखो क्या टर्म्स होनी चाहिए थी, आपको चाहिए क्या nc 0 और n प्लस 2 c 3 का आप मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हो, ठीक है? तो NC0 और n प्लस टू सी थ्री, अच्छा इसके सॉरी इस केस के करस्पॉन्डिंग देखेंगे ना, ये आपका r इक्वल टू जीरो से n माइनस वन तक वेरी कर रहा, ठीक है? तो r इक्वल टू जीरो रखा तो इसका मतलब क्या हुआ NCN और उससे रखा तो आपने क्या बनाया n प्लस टू सी थ्री, ठीक है? ठीक है इतनी बात। तो आपको क्या करना है NCN उठाना है पहले वाले से और दूसरे वाले एक्सपेंशन से आपको क्या उठाना है n प्लस टू सी थ्री। तो NCN आपने यहां से उठाया, n प्लस टू सी थ्री आपने इसमें से उठाया, लेकिन जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो आपको एक चीज फ्री की मिल गई, क्या यहां पे x की पावर n और इसमें से x क्यूब, तो x की पावर n प्लस थ्री आपको एक्स्ट्रा मिल गया। फिर आप देखो और q
कि और टर्म्स क्या बन रही है, जब आप r को 1 रखोगे तो nc n माइनस 1 और यहां से n प्लस 2 c 4, nc n माइनस 1 यहां से उठाया और इसमें से n प्लस 2 c 4 लिया, तो nc n माइनस 1 के साथ x की पावर n माइनस 1 है और n प्लस 2 c 4 के साथ आपका x की पावर 4 है, तो x की पावर n माइनस 1 और x की पावर 4 मल्टीप्लाई होकर x की पावर n प्लस 3 और जनरेट करा दिए। अब देख सकते हो आप जो भी टर्म्स हैं वो सभी क्या बना रही हैं, x की पावर n प्लस 3 का कोफिशिएंट बना रही हैं, इसका मतलब दिस इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n प्लस 3। ये जो सीरीज है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n प्लस 3 है, कहां 1 प्लस x की पावर 2n प्लस 2 में, इसलिए आंसर क्या होगा 2n प्लस 2 c n प्लस 3। ठीक है, अब कभी कभी चीजें ऐसी भी दी जा सकती हैं जिसमें कि अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी हो, है ना, अभी तो देखो सब में क्या है पॉजिटिव 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 ही लिखा गया है ना, अगर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव हो तो क्या करें, तो ऐसे में आप वन एक तो वन प्लस एक्स यूज करो, ठीक है, एक वन प्लस एक्स यूज करो और एक साइड से आप वन माइनस एक्स का यूज कर लो, ठीक है, वन प्लस एक्स का यूज करो और साथ में वन माइनस एक्स का यूज कर लो, कैसे करेंगे अभी अपन देखेंगे आगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझते हैं हम, अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए एन सी जीरो का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एन सी वन का स्क्वायर प्लस एन सी टू का स्क्वायर अप टू एन सी एन का स्क्वायर, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब इसको आप अगर लिखोगे तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको आप लिखोगे एन सी आर का स्क्वायर, तो एन सी आर का स्क्वायर बेसिकली ऐसा लिखा जा सकता है आर इक्वल टू जीरो से एन तक। तो अब अपन एक काम करते हैं, अपन एक को पलट के लिख देते हैं, मतलब एन माइनस आर वाली प्रॉपर्टी लगा के, क्योंकि यहां से सम तो कॉन्स्टेंट नहीं हुआ है लोअर सबस्क्रिप्ट का, तो आपने लिख दिया समेशन आर इक्वल टू जीरो से एन एन सी एन माइनस आर इंटू एन सी आर। ठीक है, तो आंसर के लिए आप क्या लिखोगे, आंसर के लिए कुछ नहीं, आपको डायरेक्टली करना है अपर सबस्क्रिप्ट का टर्म सम टू एन, लोअर सबस्क्रिप्ट का सम एन, दिस शुड बी आंसर अगर सारे टर्म्स प्रेजेंट हो। तो आप देखो क्या आर इक्वल टू एन से आगे जा सकते हो, क्या नहीं जा सकते ना, ठीक है, आर इक्वल टू एन के आगे मतलब एन प्लस वन तो नहीं रख सकते ना आर को, इसी तरीके से क्या आर इक्वल टू जीरो से पहले जा सकते हो, नहीं जा सकते, तो इसका मतलब हुआ कि सारी पॉसिबल टर्म्स आपकी यहाँ पे प्रेजेंट थी, है ना, और इसका मतलब आंसर 2ncn ही रहेगा, कुछ भी हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको एज अ रिजल्ट भी याद रखना, ये वाला सम 2ncn के बराबर होता है। ठीक है, तो आइए अपन कुछ और भी एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें एक आध टर्म मिस करवा के देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है आपके पास कि आपके पास सीरीज दी है जिसमें यहाँ डॉट 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 का मतलब है आगे की सारी पॉसिबल टर्म्स ली गई हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे की, तो खैर सारी पॉसिबल टर्म्स ली गई हैं, इस डॉट डॉट का मतलब यही हो गया। तो आइए देखें अपन इसका समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, समेशन के फॉर्म में अपन देख सकते हैं कि n माइनस 3 सी। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत यह है कि अगर आप इसको r लेते हो तो यहाँ r माइनस 2 लेना पड़ेगा, अपने को माइनस पसंद नहीं है, तो अपन क्या करते हैं अपन 2n प्लस 1 के हिसाब से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, और 2n प्लस 1 के साथ लिख देते हैं r। ठीक है, और इधर क्या करें, ठीक है, इधर आप लिख दो इसको n माइनस 3 सी, अगर ये r है तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या चल रहा है r प्लस 2 चल रहा है। ठीक है, और r आपका कैसे वेरी कर रहा है, तो देखो आप r इक्वल टू 2 से कहानी आपकी शुरू हो रही है, r इक्वल टू 2 से लेकर के आगे के सारे पॉसिबल टर्म्स हैं। ठीक है, तो आपको आगे के टर्म्स की चिंता करने की जरूरत नहीं कि आगे कुछ छूट गया क्या, क्योंकि पहले इस डॉट डॉट का मतलब हो गया कि आगे की सारी पॉसिबल टर्म्स यहाँ पे ली जा रही हैं। ठीक, तो जब आप इसका देखोगे तो अभी आपका जो ये लोअर सबस्क्रिप्ट है इनका सम नहीं बढ़िया लग रहा है। ठीक है, क्योंकि वो आर के टर्म्स में आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, अपन स्टार्ट करेंगे इसको पे प्रॉपर्टी यूज करना, तो n माइनस 3 सी आर प्लस 2 मान लो ऐसे ही रहने दिया मैंने, और इसको पलट दिया 2n प्लस 1 सी, मान लो लिख दिया 2n प्लस 1 माइनस आर, ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब आपका सम जो है लोअर सबस्क्रिप्ट्स का r और r को कैंसिल कर दिया, तो बचा आपका 2n प्लस 3, तो आंसर आपको क्या लिखना चाहिए, ऊपर अपर सबस्क्रिप्ट्स का सम 3n प्लस 2 सी, लोअर सबस्क्रिप्ट्स का सम r तो आपका कट गया, बचा क्या 2n प्लस 3, तो 3n प्लस 2 सी 2n प्लस 3 प्रोवाइडेड सारे पॉसिबल टर्म्स हों। तो आगे की पॉसिबल टर्म्स को आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, डॉट डॉट ने सारा काम कर दिया है, लेकिन पीछे की टर्म्स हो सकती है ना, तो ये कहानी स्टार्ट हुई है आपकी r इक्वल टू 2 से, r इक्वल टू 2 से, तो आप देखो क्या r इक्वल टू 1 रख सकते हो क्या,
तो आपको चमकेगा कि हाँ r इक्वल टू वन रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि r इक्वल टू वन क्या टर्म क्रिएट करता, n माइनस थ्री सी थ्री और 2n प्लस वन सी वन, ठीक है। तो वो टर्म तो नहीं है, मतलब वो मिस हो गई है, उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और कुछ है क्या? तो देखो r इक्वल टू जीरो, r इक्वल टू जीरो से कोई तकलीफ किसी को, किसी टर्म को नहीं है, इसका मतलब कि वो भी एक पॉसिबल टर्म थी, वो मिस हो गई है, तो आपको वो भी सब्ट्रैक्शन में रखना पड़ेगा। जो टर्म मिस हुई है उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो जो टर्म्स मिस हुई है उनको सब्ट्रैक्ट करिए। r इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग आपने लिख दिया n माइनस थ्री सी टू, टू एन प्लस वन सी जीरो, और एक और टर्म है r इक्वल टू वन के करस्पॉन्डिंग जिसने बनाया सी थ्री और टू एन प्लस वन सी वन। r इक्वल टू टू से तो ये खुद ही स्टार्ट हो गया। अच्छा r इक्वल टू माइनस वन वगैरह तो नहीं आएगा? तो नहीं आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव थोड़ी ना रहेगा, ठीक है। तो आपके पास ये आंसर होता, लेकिन दो पॉसिबिलिटीज r इक्वल टू वन और जीरो की और भी थी यहाँ पे टर्म बनाने के लिए, वो टर्म्स नहीं दिए गए। तो चूंकि वो टर्म्स नहीं दिए गए, इसलिए उन टर्म्स को हमें सब्ट्रैक्ट करके लिखना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपके पास, तो सबसे पहले आप खुद से ट्राई करो, है ना। समेशन के फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करूं मैं, तो क्या लिखूंगा, एनसीआर और टू एनसीआर, ठीक है। सिंपल सा, आर इक्वल टू जीरो से कहां तक जा रहा है, एन तक जा रहा है, ठीक है। तो क्या करें, पलट के लिख दे, क्या बन जाएगा, एनसीएन माइनस आर और टू एनसीआर, आर इक्वल टू जीरो से एन। तो क्या करना है, अपर सबस्क्रिप्ट का सम 3n, लोअर सबस्क्रिप्ट का सम n। क्या कोई एक्स्ट्रा टर्म, सॉरी कोई टर्म मिस हुई है क्या? तो देखो r इक्वल टू एन प्लस वन यहां रख सकते हो, सॉरी ये था जनरल टर्म, क्या n के आगे n प्लस वन रख सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि यहां रख सकते थे, लेकिन उससे ये टर्म एब्सर्ड हो जाएगी, मतलब ओवरऑल टर्म भी इररिलेवेंट है। इसी तरीके से r इक्वल टू माइनस वन रख सकते हो क्या जीरो से पहले? नहीं, ठीक है। तो ऑफकोर्स आपका आंसर यही रहेगा 3ncn, इसमें से आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, ठीक है। हो क्या रहा था, हो ये रहा था कि एक बार हम 1 + x की पावर n के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ले रहे थे, एक बार हम 1 + x की पावर 2n के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ले रहे थे, उनको हम मल्टीप्लाई करते थे, तो हमें ऑब्जर्व होता था कि ये टर्म्स कब बनेंगी, जब हम x की पावर मल्टीप्लीकेशन में x की पावर n जनरेट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3ncn हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिर से आप ये दो क्वेश्चंस हैं, आप खुद से ट्राई करिए, सॉल्व कीजिए, है ना, वन लाइनर्स की प्रैक्टिस करते हैं अपन, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। पहला वाला क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में समेशन लिखा, समेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं। एन सी कितना, यहाँ क्या दिख रहा है एन, अच्छा ये ऐसा है, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, एन सी अगर मैं ऐसे लिखूं एन माइनस आर, तो यहाँ पे एन प्लस वन सी आर प्लस वन, वेयर आर इज स्टार्टिंग फ्रॉम कितना, जीरो है कि नहीं है, हो गया, ठीक है। आर इक्वल टू जीरो करस्पॉन्डिंग, वन करस्पॉन्डिंग, टू करस्पॉन्डिंग, ये सारी टर्म्स आपके पास आती जाएंगे, और आगे की आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जहां तक पॉसिबिलिटी है वो डॉट डॉट से रिप्रेजेंट हो गया है, मतलब आगे के सारे पॉसिबल टर्म्स आपके पास लिए गए, ठीक है। तो आप देखिए क्या करोगे, यहाँ पे आपके लिए और भी चीजें आसान करके दे दी गई, क्योंकि आपके लोअर सब्सक्रिप्ट का सम ऑलरेडी कॉन्स्टेंट हो गया, लोअर सब्सक्रिप्ट का सम आप देख सकते हो R से इंडिपेंडेंट है, बस यही चाहिए था। तो आपका लोअर सबस्क्रिप्ट का सम क्या दिख रहा है, n प्लस वन दिख रहा है, तो काम आपका ऐसे ही बन गया, आपको जो एक स्टेप करना पड़ता था वो भी ना करो, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टी भी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा यहीं से दिख गया कि आंसर कितना होगा, आंसर विल बी ऊपर का सम 2n प्लस वन, नीचे का सम n प्लस वन, ठीक है। कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्या, तो देखो r इक्वल टू माइनस वन क्या मैं रख सकता हूं, आगे की टर्म्स के बारे में चिंता नहीं करनी है, पीछे की टर्म्स देख ले, तो जीरो के बाद माइनस वन, माइनस वन रख सकता हूं क्या, तो नहीं रख सकता, क्योंकि उससे क्या होगा, इसको तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन भाई एन प्लस वन सी जीरो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पे एन सी क्या बन जाएगा, एन प्लस वन बन जाएगा, जो कि एब्सर्ड टर्म है, और इसलिए आपके पास सारे पॉसिबल टर्म्स गिवन थे, आंसर आपका यही रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, वन इंटू एन सी जीरो एन सी टू प्लस टू इंटू एन सी वन एन सी थ्री, ठीक है, थ्री और आगे की सारे पॉसिबल टर्म्स, ठीक है। तो इसके भी आप ट्राई कीजिए खुद से, मैं इसका सोल्यूशन की ओर प्रोसीड करता हूं। तो समेशन कैसे लिखूंगा मैं, समेशन लिखूंगा मैं आर, आर नहीं एन सी जीरो है ना ये, तो एन सी आर हम उसी के करस्पॉन्डिंग लेते हैं, तो हमें आर प्लस वन ले लेना चाहिए इसे, है ना, ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री, तो ऐसे ले लिया मैंने आर प्लस वन,
एन सी के साथ क्या आएगा, एन सी आर, और साथ में एन सी आर प्लस टू, यही चल रहा है। आर इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आर इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और आगे की सारी पॉसिबल टर्म्स हमें इंक्लूड करनी ही करनी है। ठीक है, तो शुरू हो गए अपन। क्या शुरू हुए, अभी तो हमें सबसे पहले दिक्कत ये दिख गई कि ये सब क्या कचरा फैल गया है। यहाँ तक तो ठीक था, हम इतने में कंफर्टेबल थे इसके आगे वाले में। ठीक है, इस कचरे को हटाना है तो कैसे हटाएंगे अपन, अपन क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूट कर दें समेशन। तो समेशन डिस्ट्रीब्यूट किया तो समेशन आर इंटू एन सी आर इंटू एन सी आर प्लस टू है ना, प्लस समेशन क्या बचेगा, एन सी आर इंटू एन सी आर प्लस टू। चलिए ये वाला पार्ट अपने को आता है। ठीक है, आर इक्वल टू जीरो से। ठीक, अब यहां पे ये आर एक एक्स्ट्रा है, इसका क्या करें, तो वापस से टाइप वन पे चले जाओ। टाइप वन वाली यही प्रॉपर्टी थी ना कि आर इंटू एन सी आर अगर रहे तो इस आर को हटाया जा सकता है, तो यही बन जाएगा आपका क्या, एन, ये इतना पार्ट, इसी के लिए फॉर्मूला था, आर और आर सेम है। ठीक है, तो एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, तो एन इंटू समेशन आर इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुआ एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ठीक है, एन सी आर प्लस टू और है। ठीक है, और प्लस इधर आपके पास है, इसको मैं यही लिख दूं, थोड़ा सा एन सी आर को लिख दिया पलट के मैंने एन माइनस आर। ठीक है, तो आपके पास कितना बन गया, नीचे का सम एन प्लस टू, ऊपर टू एन, टू एन सी एन प्लस टू होता अगर कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़े तो। देखते हैं, तो आर इक्वल टू, आगे तो कुछ सोचना नहीं है, आगे की सारी टर्म्स है ही डॉट 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 की वजह से, है ना। लेकिन आर इक्वल टू जीरो से पहले की टर्म तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप r को माइनस वन लेते हो तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, nc1 कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन nc n प्लस वन इसको दिक्कत है। तो हमें सारी पॉसिबल टर्म्स जो थी वो दे दी गई हैं और हमें अलग से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना, तो ये आपका इतना पोर्शन आया। अब आपको ये पोर्शन का भी एडिशन बचा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए अपन देखते हैं आगे। ठीक है, क्या बन जाएगा, 2ncn plus 2 तो चलो है ही, वो तो ऐसे ही रहेगा, वो तो हो गया आंसर में इंक्लूड। फिर आप इसको लिखोगे, n आपका एज इट इज आपने लिखा, फिर आपने क्या किया, ठीक है, n आपने लिखा, उसके बाद देखो यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि अब दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ही बचे हुए हैं, ये r और जो थे वो सब तो हट गए हैं। तो आप क्या करो, अब आप वापस से टाइप 3 वाले मोड में आ गए। क्या किया आपने, फिर से देखा कि नीचे नहीं सम कांस्टेंट नहीं हो रहा, तो पलट के लिख दें। तो पलट के लिखने का मतलब एन सी एन माइनस आर वाली प्रॉपर्टी यूज कर ले। ठीक है, तो एन इंटू समेशन, एन इंटू समेशन आर इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किया, आर इक्वल टू जीरो से। ठीक है, सॉरी समेशन क्यों लिख रहा हूं मैं, ठीक है, एन इंटू क्या करना था, लो समेशन के फॉर्म में एक बार को एन माइनस आर वाली प्रॉपर्टी लगानी थी, तो लगा ली, R इक्वल टू जीरो से स्टार्ट किया, इसको पलट दिया, तो ये क्या बन जाएगा, n माइनस वन सी। अब आप देखो इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, n माइनस आर। ठीक है, और इंटू एन सी आर प्लस टू, इंटू एन सी आर प्लस टू, ये आपका इतना पोर्शन हो गया। ठीक है, और प्लस ये तो आपका आंसर में था ही। ठीक है, तो प्लस टू एन सी एन प्लस टू, ये तो लिखा ही रहेगा। ठीक, अब आगे बढ़े, इसका सम समेशन कितना आएगा, तो n इंटू, आप देखो डिनोमिनेटर ये जो लोअर सबस्क्रिप्ट है इनका सम कांस्टेंट हो गया, कितना आ रहा है, n प्लस टू आ रहा है, अपर सबस्क्रिप्ट का सम 2n माइनस वन आ रहा है, तो 2n माइनस वन सी एन प्लस टू, यह आपका आंसर होता अगर कुछ मिसिंग ना हो तो। तो क्या कुछ मिसिंग है, तो देखो आगे की टर्म्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पीछे की टर्म्स के बारे में सोचते हैं। तो जीरो की जगह अगर मान लो मैंने माइनस वन रखा, ठीक है, इवन आर इक्वल टू जीरो भी पॉसिबल नहीं है इनफैक्ट, ठीक है, यहाँ पे आर इक्वल टू जीरो भी पॉसिबल नहीं है, तो आर इक्वल टू माइनस वन तो क्या ही पॉसिबल होगा। ठीक है, तो आर इक्वल टू जीरो क्यों नहीं पॉसिबल है, वो इसलिए क्योंकि जैसे टाइप वन में आप यूज करते थे, देखो आर इक्वल टू जीरो ने वैसे भी क्या देना है, इसको जीरो देना है। ठीक है, तो चाहे हम जीरो से काउंटिंग शुरू करें चाहे वन से काउंटिंग शुरू करें, बात बराबर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जैसे टाइप वन में भी तो ये चीज हमने ऑब्जर्व करी थी ना, तो सेम चीज यहाँ पे भी, चूंकि टाइप वन वाली चीज यूज हुई है तो इसलिए वापस से वही ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिला कि आर इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग जीरो बन रहा था। तो हमने जब
चाहे r इक्वल टू जीरो से अगली लाइन लिखें या फिर r इक्वल टू वन से लाइन लिखें, बात बराबर ही है। अगर आप चाहें तो इसको r इक्वल टू वन से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे भी मान लो आप r इक्वल टू वन कर दो, ठीक है, तो वन से पहले की टर्म तो वैसे भी नहीं हो सकती क्योंकि वन से पहले क्या आ जाएगा, जीरो, और r इक्वल टू जीरो करस्पॉन्डिंग बनेगा n माइनस वन सी एन, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपका आंसर क्या रहा, n इंटू इतना प्लस 2n cn प्लस 2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया गया, nc0 square minus nc1 square plus nc2 square minus nc3 square and so on, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज भी आ गई, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले माइनस वन की पावर r nc r का स्क्वायर, ऐसा ही कुछ है, r इक्वल टू आपकी कहानी जीरो से स्टार्ट हो रही है और आगे के सारे पॉसिबल टर्म डॉट डॉट के द्वारा कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब आप देखिए NCR का स्क्वायर है, तो आपने पहले तो इसको लिख लिया कि NCR इनटू NC n माइनस r, सो दैट कि लोअर सबस्क्रिप्ट्स का सम कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। तो अपन कैसे सोचेंगे, अपन सोचेंगे कि NC n माइनस r तो कहां से आ जाएगा, 1 प्लस x की पावर n के एक्सपेंशन से, लेकिन ये माइनस 1 भी है तो ये पूरा टर्म आपका कहां से आ सकता है, 1 माइनस एक्स की पावर एन के एक्सपेंशन से। ये किससे आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर एन में, और ये कैसे आएगा, माइनस 1 को भी तो इंक्लूड करना है ना, ऐसा नहीं करना है कि माइनस 1 को छोड़ दें, ठीक है। तो माइनस 1 की पावर आर एनसीआर ये कहां से क्रिएट होगा आपका, 1 माइनस एक्स की पावर एन के एक्सपेंशन से। तो अब आपको क्या समझ में आना चाहिए कि आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन यूज हो रहा है और 1 माइनस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन एक जगह यूज हो रहा है, ठीक है। पहले माइनस वाला लिखा गया है तो मैं भी माइनस लिख लेता हूं, बाद में प्लस लिख लेता हूं, राइट। तो आप देखो जब एक्सपेंड करोगे तो आपके पास क्या टर्म्स आएंगे, यहां पे आपके पास आएगा nc0 minus nc1 into x plus nc2 into x square minus nc3 into x cube, है ना, एंड सो ऑन, ठीक। इधर देखिए तो यहां आएगा आपका nc0 plus nc1x plus nc2x square, ठीक है, प्लस nc3 x क्यूब, लास्ट की भी एक आध टर्म्स लिख ही लेते हैं, है ना। तो लास्ट में आपके पास इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा माइनस वन की पावर n माइनस वन nc n माइनस वन प्लस माइनस वन की पावर n nc n, ठीक है। और इधर आप देखो माइनस सॉरी माइनस वन क्या, यहाँ सीधा nc n माइनस वन x की पावर n माइनस वन प्लस एन सी एन एक्स की पावर एन, हमने यहाँ पे एक गलती की है, एक्स की पावर एन और यहाँ पे एक एक्स की पावर, ये आपकी टर्म्स बनी रहेगी, ओके। तो आप देखो इस केस में कैसे मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया अपन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एन। अब देखो इधर क्या बन रहा है, इधर आपको क्या टर्म चाहिए, तो जब आप यहाँ पे r को जीरो रखते हो तो आपको उठाना है माइनस एनसी जीरो और इधर से उठा सॉरी प्लस एनसी जीरो और इधर से क्या उठाना है एनसी एन। तो पहले वाले से आपको उठाना है एनसी जीरो और दूसरे वाले से उठाना है आपको एनसी एन, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। तो एनसी जीरो इंटू एनसी एन, इनने बनाया क्या, इनने बना दिया आपका एक्स की पावर एन, ठीक है। फिर आप देखो nc1 दूसरे टर्म के लिए क्या करोगे, r इक्वल टू वन मतलब माइनस nc1 और उधर से क्या उठाओगे ncn माइनस वन। तो यहां से आपने माइनस nc1 उठाया, दूसरे वाले से आपने ncn माइनस वन उठाया, जब दोनों का प्रोडक्ट किया तो यहां x और वहां x की पावर n माइनस वन, सो इट इज x की पावर n, ठीक है। फिर देखिए r इक्वल टू टू के करस्पॉन्डिंग r इक्वल टू टू ने क्या दिया nc2 और ncn माइनस टू, तो nc2 x square और nc2 x की पावर n माइनस टू, तो आपके पास बना nc2 ncn माइनस टू x की पावर n, है ना। तो ऐसे करके आपको क्या पता चला कि ये जो सीरीज है आपकी बेसिकली, है ना, ये बेसिकली सीरीज क्या है, x की पावर n का कोफिशियंट लिखी हुई है, दिस इज नथिंग बट कोफिशियंट ऑफ x रेस टू पावर n इन एक्सपेंशन इन दिस, है ना, वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, ठीक है। तो इसके एक्सपेंशन में एक्स की पावर एन का कोफिशियंट निकाल लें, कैसे निकालेंगे आइए देखिए।
इसका अगर आप जनरल टर्म लिखते हो तो इसका जनरल टर्म टी आर प्लस वन कैन बी रिटन एस, भाई यही है पुराना सवाल अपना कि इसके एक्सपेंशन में एक्स की पावर टेन का कोफिशियंट निकालो, वैसा ही है ना, एक्स की पावर एन का इस बार निकालना है कोफिशियंट। तो देखो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू कितना आपके पास एन सी आर है ना, वन की पावर एन माइनस आर और माइनस एक्स स्क्वायर की पावर आर, यही होगा। सो यू वॉन्ट की x की पावर n हो जाए, मतलब 2r शुड बी इक्वल टू n, तो 2r आपका n हो जाए, आप यही चाहते हो, ठीक है। तो इसका मतलब r इक्वल टू n बाई टू होना चाहिए, लेकिन क्या n बाई टू होगा क्या हमेशा? हमेशा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि r इक्वल टू n बाई टू समझो ऐसे तुम कि r को सपोज n को सपोज 13 ले लिया तो r इक्वल टू 6.5 हो जाएगा ना, तो इसका मतलब वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर n बाई टू आपका एक्चुअली कोई इंटीजर है तब तो ठीक था, लेकिन अगर n बाई टू आपका इंटीजर नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो n बाई टू अगर मान लीजिए ऐसा आप कोई r आप कोफिशियंट निकालने गए और कोफिशियंट निकालते निकालते आपको पता चला अच्छा r तो पॉसिबल ही नहीं है, तो आप क्या बोलते हो कोफिशियंट क्या होगा, जीरो निकाला था ना, कि अगर इंडिपेंडेंट टर्म निकालने गए और पता चला कि अच्छा ये तो किसी फ्रैक्शनल r के लिए हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास कोई इंडिपेंडेंट टर्म क्रिएट ही नहीं होगी। या फिर कोई एक्स क्यूब का कोफिशियंट निकालने गए पता चला आपको ये तो किसी आर फ्रैक्शनल के लिए होगा, तो फ्रैक्शनल आर तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब वो टर्म पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स उसका कोफिशियंट क्या होगा, जीरो, ठीक है। तो दो केसेस यहां से बन गए कि अगर आपका एन बाई टू इंटीजर है, एन बाई टू इंटीजर है या फिर एन बाई टू इंटीजर नहीं है, मतलब क्या हुआ इंटीजर कब होगा अगर एन इवन होगा, और अगर n by 2 इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब n इवन नहीं है, मतलब odd। तो अगर n इवन है तब तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, भाई r 7 आ गया तो रख दो r को 7, है ना। तो अगर n आपका इवन है, ठीक है, तो उस केस में टर्म एग्जिस्ट करेगी और ऐसे केस में आप r को n by 2 रख दोगे तो कोफिशियंट मिल जाना चाहिए एन सी एन by 2, है ना। और क्या आएगा, वन की पावर समथिंग है तो वो तो वन ही रहेगा, माइनस वन यहां पे है ना, माइनस वन की पावर एन बाई टू, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे अगर आप एन को ऑड लेते हो तब क्या होगा, एन को ऑड लेने पे, एन को ऑड लेने पे आपके पास इसका मतलब है कि कोई आर एग्जिस्ट नहीं करता है और इसलिए ऐसी कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी और आंसर विल बी जीरो, ठीक है। तो कभी भी अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव वाला हो तो एक आध थोड़ा स्टेप बढ़ा लो, हमेशा क्या करो ये एक्सपेंशन करके और फिर कोफिशियंट निकालने के लिए जाओ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ना, ये एग्जैक्टली टाइप थ्री या बाइनोमियल का तो नहीं है बट उस तरीके से डील किया जा सकता है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर एन, बाइनोमियल नहीं है ट्राइनोमियल है ना, तीन टर्म्स है की पावर में कुछ है और इनका एक्सपेंशन दे रखा है। आप समझ भी सकते हो कि भाई हाईएस्ट पावर क्या जनरेट होगी, ऐसा कुछ होगा ना कि 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आपके n टाइम्स लिखे होंगे ब्रैकेट्स में, ठीक है। मान लो जैसे मुझसे कहा जाए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो सबसे बड़ी पावर कौन जनरेट कराएगा, जब इस टर्म से भी एक्स स्क्वायर निकालूं और इस टर्म से भी एक्स स्क्वायर निकालूं और दोनों का प्रोडक्ट कर दूं, सबसे बड़ी टर्म जनरेट होगी। इसी तरीके से अगर मैं जैसे होल क्यूब करने को कहा जाए तो एक और से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, इस टर्म सबसे बड़ी पावर बनाने के लिए यहाँ से भी एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी, तो एक्स की पावर सिक्स सबसे बड़ी पावर आपकी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो खैर इसको तो अपने ऐसे ही समझने के लिए किया कि अगर हम इसी तरीके से n ब्रैकेट्स लेते हैं और सारे ब्रैकेट्स में से हम एक्स स्क्वायर निकालते जाते हैं तो हमें हाईएस्ट पावर मल्टीप्लीकेशन से मिलेगी जो कि कितनी होगी, एक्स की पावर 2n हो जाएगी, एक्स स्क्वायर n टाइम्स, तो मल्टीप्लीकेशन क्या जनरेट होगा, एक्स की पावर 2n, ठीक है। तो खैर ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये जो दिया गया है एक्सपेंशन गिवन है, a0 a1 a2, ये कोई NC0 NC1 ऐसे टर्म्स नहीं होंगे, है ना, कुछ होंगे रैंडमली टर्म्स, तो बता दिया गया कि वो टर्म्स ये हैं a0 a1 a2 या a2n है। आपको क्या करना है, इस सीरीज का सम करना है a0 into NC0 a1 into NC1, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव भी है, तो सबसे पहले तो इसको समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए, ठीक है। तो आप पहले खुद से ट्राई करो, है ना, फिर आप सोल्यूशन देखना। तो माइनस वन की पावर आर आएगा, ए आर है और एन सी आर है, ठीक है। आर इक्वल टू कहां से शुरू है, जीरो से, और आगे की चिंता तो डॉट डॉट ने खत्म कर दी, ठीक। तो
तो ये आपका है ऐसा कुछ, ठीक। अब आप देखो n माइनस वन की पावर r है ना, और n cr ऐसा है, तो अपन क्या चाहेंगे। अब हमें लोअर सबस्क्रिप्ट्स का सम, इसको भी वैसे ही समझते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरह। लास्ट क्वेश्चन में हमारा ncr इंटू ncr था, यहाँ ar इंटू ncr। प्रोसेस उसी तरीके से आप कर सकते हो कि आपका लोअर सब्सक्रिप्ट का सम कांस्टेंट होना चाहिए। तो लोअर सब्सक्रिप्ट के लिए भाई हम ncr को तो ncn माइनस r लिख सकते हैं, इसको थोड़े लिख देंगे कि ar विल बी इक्वल टू an माइनस r, लिख सकते हैं क्या डायरेक्टली? डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते, ठीक है। ar और an माइनस r ये आपस में बराबर होंगे, ऐसा हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, ठीक है। ठीक है, इतनी बात। तो अपन लोअर सब्सक्रिप्ट का सम कांस्टेंट कराने के लिए, जैसे अभी तक तो क्या होता था, ये भी बाइनोमियल होता था, ये भी बाइनोमियल होता था, कोई भी एक पलट दो काम चल जाता था। लेकिन यहाँ पे आप इसको पलट ही नहीं सकते, क्योंकि आपको थोड़ी ना पता है कि इनके कोफिशियंट्स का नेचर क्या था, आपको नहीं पता कि ए आर ए एन माइनस आर के बराबर था या नहीं था। लेकिन एनसीआर एनसीएन माइनस आर के बराबर था, ये तो आप कह सकते हो। तो इसका मतलब आपने क्या किया, आपने इसको पलटा। तो जब इसको पलटा तो आपके पास बना क्या, माइनस वन की पावर आर ए आर और एन सी एन माइनस आर, ठीक है, आर इक्वल टू जीरो से कहानी आपकी शुरू हुई। लोअर सब्सक्रिप्ट्स का सम कांस्टेंट तो दिख रहा है, टाइप थ्री हो सकता है, एप्लीकेबल हो जाए। लेकिन एक अब दिक्कत हो गई, अगर माइनस वन की पावर आर को आप एन सी आर के साथ क्लब करते तो वो आसान था, सीधा आप कह देते भाई वन माइनस एक्स की पावर एन है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ क्या है, यहाँ माइनस वन की पावर आर है और यहाँ एन माइनस आर लिखा गया है, ठीक है। तो आप इसको इसके साथ क्लब नहीं कर सकते ना, क्योंकि उस समय तो क्या होना चाहिए, जो यहां पे है वही यहां पे पावर में होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब आप डायरेक्टली क्लब नहीं कर सकते हो, ओके। तो हम कैसे करें, हम इस बार इसको एक टर्म लेते हैं और इस पूरे को एक टर्म लेते हैं। एक एक्सपेंशन से हमने इस तरीके की टर्म जनरेट करनी शुरू करी और एक एक्सपेंशन से ये वाली टर्म जनरेट करनी शुरू करी। तो आपने मान लीजिए इस वाले में तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, आपको पता था कि भाई 1 प्लस एक्स की पावर n का अगर एक्सपेंशन लूंगा तो मेरे पास nc0 प्लस nc1 इंटू x प्लस nc2 इंटू x स्क्वायर है ना, nc2 इंटू x स्क्वायर अप टू ncn माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 और ncn x की पावर n, ये सब जनरेट हो ही जाएंगे, ठीक है, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। अब इसके बाद आपसे कहा गया कि अगर मान लीजिए ये कहां से लेके आओगे भाई, बाकी सब तो ठीक था, तो इसमें क्या जनरेट हो रहा है, इसमें आपका अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट हो रहा है, ए जीरो जनरेट हो रहा है माइनस ए वन प्लस ए टू माइनस ए थ्री, यही चीज है ना। तो बताओ ए जीरो माइनस ए वन ए टू माइनस ए थ्री ये कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर आप देखो यहां पर एक्स की जगह आप माइनस एक्स रख दो, एक्स की जगह पे आपने मान लीजिए माइनस एक्स रखा यहां पे, ठीक है, रख सकता हूं ना भाई, ये आइडेंटिटी है, दिस थिंग इज ऑलवेज इक्वल टू इतना, x इक्वल टू 5 के लिए भी वैलिड है, x इक्वल टू माइनस वाई के लिए भी वैलिड है, x इक्वल टू माइनस एक्स के लिए भी वैलिड है। इसका ये मतलब नहीं कि x को आप बोल दिए कि x जीरो हो गया, इसका मतलब नहीं, ये नहीं हो गया कि x इक्वल टू माइनस एक्स है, x को बेसिकली सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है किससे, माइनस एक्स से, इट इज एज गुड एज सब्स्टिट्यूटिंग माइनस वाई, ठीक है। माइनस वाई में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी तो माइनस एक्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो x की जगह आप माइनस एक्स रख देते हो तो क्या बनेगा, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर माइनस ए थ्री एक्स क्यू, और ऐसे करते हुए माइनस वन की पावर टू एन ए टू एन एक्स की पावर टू एन, ठीक है, ऐसे कुछ टर्म जनरेट होंगे, ठीक है। हमें क्या करना रहता है, ऐसे दो एक्सपेंशंस यूज करते हैं, नॉर्मली हम दोनों बाइनोमियल यूज करते हैं, यहाँ पे एक बाइनोमियल और एक ट्राइनोमियल यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। और क्या देखते हैं अपन कि कोफिशियंट्स हमारे मतलब कोफिशियंट किसी पावर की हमें मिलने लग जाए, किसी एक फिक्स पावर के कोफिशियंट्स आपके दिख रहे हो जो भी हमें सीरीज रिक्वायर्ड है। तो आप देखो क्या चाहोगे, आप चाहोगे कि पहले मतलब ए आर वाली साइड से आपके पास क्या आ जाए, आर इक्वल टू जीरो के करेस्पॉन्डिंग पहला टर्म ए जीरो, और यहां से आप क्या चाहोगे एन सी एन। तो जब आपने ए जीरो को एन सी एन से मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर एन जनरेट हुई, तो ए जीरो इंटू एन सी एन के साथ आपका एक्स की पावर एन, फिर आपने आर को वन रखा तो माइनस ए वन और इंटू एन सी एन माइनस वन, तो माइनस ए वन इंटू एन सी एन माइनस वन क्या हुआ एक्स और एक्स की पावर एन माइनस वन, तो एक्स की पावर एन है ना, प्लस ए टू एन सी एन माइनस टू
एक्स की पावर एन, है ना, ये सारे टर्म्स आपके बनते जा रहे हैं, ठीक है। यही चाहिए थे, मतलब आपको क्या चाहिए था, ये बेसिकली जो भी आपसे पूछा गया था दैट वाज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, ठीक है, ए नॉट एन सी एन माइनस ए वन एन सी एन माइनस वन, ठीक है, ए टू एन सी एन माइनस टू, यही चीज तो लिखी हुई है। तो इसका मतलब आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था कोफिशियंट ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, और कोफिशियंट ऑफ एक्स रेज टू पावर एन कहां पे चाहिए था आपको, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में। अब आप समझ सकते हो दिस थिंग इंटू दिस थिंग कितना होता है, तो ये होता है आपका वन प्लस एक्स क्यूब, पता ही है अंदर वाली चीजों का मल्टीप्लीकेशन, तो रेज टू पावर एन और लग जाएगा भाई, ए की पावर एन ये बी की पावर एन, तो दोनों का प्रोडक्ट ए बी की पावर एन। तो आपको क्या करना है, वन प्लस एक्स क्यूब की पावर एन में आपको कोफिशियंट निकालना है एक्स की पावर एन का। फिर से अपन शुरू हो गए, क्या लिखा हमने कि भाई यहां अगर हम जनरल टर्म निकालने जाएंगे तो जनरल टर्म हमारी कुछ इस तरीके की होगी, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर थ्री रेज टू पावर आर। तो यू वांट थ्री आर आपका एन के बराबर हो जाए, थ्री आर आपका एन के बराबर मतलब आर आपका एन बाई थ्री हो जाए। तो अगर r आपका n बाई थ्री होगा तो आपके पास क्या बनेगा, एन सी एन बाई थ्री, है ना। वो भी कब होगा, कब ऐसा बनेगा, n बाई थ्री के लिए हम ऐसा कब लिखेंगे, जबकि n बाई थ्री इंटीजर हो तभी तो लिखेंगे। तो n बाई थ्री जरूरी तो नहीं है ना कि n बाई थ्री इंटीजर होगा, सपोज n इक्वल टू फाइव था, ठीक है, वन प्लस एक्स क्यूब की पावर फाइव, और उसमें हम खोजने चले गए x की पावर फाइव, तो जनरेट ही नहीं होगा, ठीक है। तो r इज इक्वल टू एन बाई थ्री, एन सी एन बाई थ्री विल बी आंसर इफ n बाई थ्री इज इंटीजर, मतलब अगर n आपका थ्री लेमडा टाइप का कुछ इंटीजर है ना, थ्री का मल्टीपल है, नेचुरल नंबर है, थ्री का मल्टीपल है, तब तो ये ठीक है, और अगर n आपका थ्री का मल्टीपल नहीं है तो आंसर विल बी जीरो, ठीक है, इफ n इज नॉट डिविजिबल बाई थ्री, ठीक है। तो ये बढ़िया सवाल दिया हुआ है, इसमें क्या था कि हमारा बाइनोमियल नहीं था, ठीक है, दोनों बाइनोमियल नहीं थे, एक बाइनोमियल और एक ट्राइनोमियल था, लेकिन कंसेप्ट हमें टाइप थ्री का ही यूज करना पड़ रहा था, ठीक है। तो यहां पे हमारा टाइप थ्री एंड हुआ, नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं टाइप फोर, और टाइप फोर स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं, उसकी थ्योरी क्रिएट करते हैं। तो आज अपन थोड़ा सा टाइप फोर के जो टूल्स रिक्वायर्ड होंगे वो अपन समझने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। टाइप फोर मेनली हम कल के लेक्चर्स में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, जैसे अभी तक क्या होता है, अभी तक आप क्या पढ़ते हो कि 1 प्लस एक्स की पावर मान लीजिए 12 दिया गया, तो आपसे पूछा जाए कि x की पावर 5 का कोफिशियंट क्या है, ठीक है। तो आप कह दोगे, अगर इसमें कहा जाए कि कोफिशियंट ऑफ x रेज टू पावर 5, तो आप बोल देते हो कि हाँ ये भाई 12 सी 5 आएगा, है ना, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 12 में, है ना, ऐसा कोफिशियंट ऑफ x रेज टू पावर 5, तो वो आपका 12 सी 5 आएगा, ये आप बोल देते हो, ठीक है। कहा गया x की पावर 6 का कोफिशियंट 12c6, x की पावर 10 का कोफिशियंट 12c10, बोल देते हो। अब आपको ये उल्टा सीखना है, रिवर्स प्रोसेस सीखना है, कि अगर कहीं 12c6 दिया गया है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज कोफिशियंट ऑफ 1 प्लस x रेज टू पावर, सॉरी दिस इज कोफिशियंट ऑफ x रेज टू पावर 6 इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x रेज टू पावर 12। अब आपको ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमसे कहा जाए कि 13c5, तो इसका मतलब क्या है, 13c7 मान, 13c7, है ना, 13c7, तो आपको क्या समझना है, आप रिवर्स प्रोसेस के दौरान, कि दिस इज कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 7, है ना, कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 7 इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 13, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि 41c8 प्लस 42c8, तो इसका मतलब, सॉरी c8, तो इसका मतलब क्या है, इसको आप बोल सकते हो कि ये आपका x की पावर 8 का कोफिशियंट है और ये भी आपका x की पावर 8 का कोफिशियंट है, अलग अलग अगर देखें तो आप लिख सकते हो कि x कोफिशियंट ऑफ, है ना, x की पावर 8 इन 1 प्लस x रेज टू पावर 41 प्लस लिखा हुआ है कोफिशियंट ऑफ x रेज टू पावर 8 इन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 42। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, इन दोनों को क्लब करके, सपोज किसी एक्सपेंशन में एक जगह 2x आया और दूसरे टर्म की एक्सपेंशन किया वहां 3x आया, ठीक है। तो जब दोनों टर्म्स को मिला करके हम देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, x का कोफिशियंट कितना है, 2 प्लस 3 है। तो अपन ये बोल सकते हैं क्या कि दिस इज इफेक्टिवली कोफिशियंट ऑफ x रेज टू पावर 8 इन एक्सपेंशन ऑफ
वन प्लस एक्स रेज टू पावर 41 प्लस वन प्लस एक्स रेज टू पावर 42, ये बोल सकते हैं। इन दोनों के एडिशन में जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो हमें x की पावर 8 का कोफिशियंट क्या दिखेगा, यही दिखेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से आप समझिए कि मान लीजिए आपसे कहा जाए 13c 12, है ना, या फिर थोड़ा और लेते हैं कुछ 13c 8 और 13c 5 मान लीजिए, और 13c 2 ले लिया मैंने, सॉरी 13c 8 प्लस 14c 8 प्लस 8c 8 प्लस मान लीजिए 10c 8, ये दिया गया है ना, ऐसा कुछ है। तो आप क्या बोलोगे, यू कैन राइट इट डाउन कि चूंकि लोअर सबस्क्रिप्ट आपकी फिक्स दिख रही हैं, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 18 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 13, कोफिशियंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 18 1 प्लस एक्स की पावर 14, कोफिशियंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 18 1 प्लस एक्स की पावर 8, कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 18 1 प्लस एक्स की पावर 10, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज कोफिशियंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 8 इन, क्या लिख सकते हो, 1 प्लस एक्स की पावर 13 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 14 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 10 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 8। इस एक्सपेंशन में आपका कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 8 खोजा गया है और वो खोजने पे इतने के बराबर आएगा। ओके, तो ये आपका कोफिशियंट रहा एक्स की पावर 8 का। ठीक है, अब यहां से देखिए आपका क्या टर्म बन रही है। अब मैं थोड़ा सा इसमें और मैनिपुलेट करता हूं, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतने में दिक्कत नहीं है तो अगर मान लीजिए मैंने कहा 1 प्लस एक्स की पावर 7, इसमें एक और टर्म जोड़ दिया 1 प्लस एक्स की पावर 7, फिर मैंने कहा कि मैंने 1 प्लस एक्स की पावर 6 भी जोड़ दिया, तो क्या ये बात अब सही है क्या, इन टर्म्स से कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर 8 चेंज होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये मैक्सिमम पावर क्या दे सकता है एक्स की पावर 7, ये मैक्सिमम पावर क्या दे सकता है एक्स की पावर 6, यहां से एक्स की पावर 8 जनरेट ही नहीं होंगे। तो आप इन सब का अगर आप देखते तो भाई ये चारों आपके काम के टर्म्स थे, ठीक है, जहां से x की पावर 8 आपका जनरेट होगा। लेकिन अगर मेरा मन, मैंने सोचा कि मैं इसमें एक टर्म और ऐड कर देता हूं, एक टर्म और ऐड कर देता हूं, मैं इसमें 1 प्लस x की पावर 5, 1 प्लस x की पावर 4, है ना, ऐसे करते हुए लेके 1 प्लस x की पावर 0 तक ऐड कर देता हूं, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, क्योंकि इनसे एक्सपेंशन में x की पावर 8 जनरेट ही नहीं होगा, तो एनी वे दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग 0। ठीक है, x की पावर 8 का कोफिशियंट डिसाइड करने में इन सभी का कंट्रीब्यूशन कितना है, 0 का है, तो ये सभी टर्म्स आपकी 0-0 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है आपका, कोफिशियंट ऑफ x रेज टू पावर 8 इन एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म। यहां से तो आपको एक्चुअली एक 1 प्लस x की पावर 8 मिले, सॉरी x की पावर 8 मिलेगा, लेकिन बाकी टर्म से क्या मिलेगा, 0-0-0। ठीक है, तो आपने बस वो 0-0-0 को ऐड कर दिया है। ठीक है, अब क्यों ऐड किया है, इसमें आपको बात समझ में आ रही है, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बात समझ में आ रही है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो हम ऐसा कर इसलिए रहे हैं ताकि हम कोई कैलकुलेशन ईजी बना लें, अपनी कैलकुलेशन को ईज करने के लिए हम इस बार नॉर्मली क्या देखते हैं, हम कैलकुलेशन ईजी करनी है, थोड़ा टर्म्स कम करो, यहाँ पे क्या है, टर्म्स हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यही कंसेप्ट हमारा टाइप 4 में यूज होगा। ठीक है, कि हमें जो टर्म्स लिखी गई हैं वो टर्म्स किसकी कोफिशियंट है, ठीक है, किस एक्सपेंशंस में वो जनरेट होंगी, कौन सा कोफिशियंट वो टर्म क्रिएट करेंगी। ठीक है, और उसमें कैलकुलेशन को इजी करने का प्रोसेस ये है कि थोड़ी सी टर्म्स बढ़ा के देख लो। ठीक है, कैसे करेंगे, टाइप 4 स्टार्ट करने के पहले हम एक पुराना क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, आपने बाइनोमियल में प्रॉपर्टीज पढ़ते टाइम पे आपको बताया गया था कि ये क्या होता है, n प्लस वन सी के प्लस वन के बराबर होता है, यही था अपना प्रॉपर्टी नंबर 4। अब हम इसको लास्ट वाला जो अभी हमने कंसेप्ट समझा है उसी कंसेप्ट के थ्रू उसको ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अब मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं देखूंगा कि सभी लोअर सबस्क्रिप्ट मेरी फिक्स है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं कोफिशियंट ऑफ एक्स रेज टू पावर के कलेक्ट करता हूं किसमें, इन 1 प्लस एक्स की पावर के, तो वो क्या आएगा, के सी के आएगा। अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1 में देखता हूं तो दैट विल गिव यू के प्लस 1 सी के। अगर मैं 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 2 में देखता हूं तो दैट विल गिव के प्लस 2 सी के, और ऐसे करते हुए मैं 1 प्लस एक्स की पावर n तक निकल जाऊंगा एंड दैट विल गिव मी n सी के।
coefficient of x raised to power k. In this expansion I will get this expression. ठीक है, तो आपके पास क्या पता चल रहा है, 1 प्लस एक्स की पावर k आपका और 1 प्लस एक्स की पावर n, ये सारी चीजें. तो अगर मैंने कहा कि अगर मैं ये सब तो लिखा ही था, अगर मैं इसमें 1 प्लस एक्स की पावर k माइनस 1 ऐड कर दूं, तो मैंने ऐड क्या किया बेसिकली कोफिशियंट में, जीरो ही ऐड किया ना. इसके एक्सपेंशन से कोई x की पावर k तो नहीं जनरेट होगा, x की पावर k तो नहीं जनरेट होगा. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये सब लिखा प्लस ये लिख दिया, क्योंकि इसका एनी वे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था, x की पावर k जनरेट ही नहीं कर सकता था ये. ठीक है, फिर मैंने कहा कि चलो ये भी मैं ऐड कर दूं, 1 प्लस x की पावर k माइनस 2. यहां पे आपका फिर से कोई टर्म x की पावर k वाला नहीं जनरेट होगा. फिर 1 प्लस x की पावर k माइनस 3, ये भी आपका कोई भी x की पावर k जनरेट नहीं करा पाएगा. और लास्ट तक ऐसे ही चले जाएं हम 1 प्लस एक्स की पावर 0, तो यहां भी हमारी कोई x की पावर k नहीं जनरेट होगी. सही है इतनी बात. तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ, ये मेरी एक जीपी बन गई कि नहीं, 1 प्लस एक्स की पावर 0 जिसका पहला टर्म है, और कॉमन रेशियो कितना है, 1 प्लस एक्स है. ठीक है, कितने टर्म्स हैं, तो 1 प्लस एक्स की पावर 0 से एन तक जा रहे हैं, कितने टर्म्स हो गए, एन प्लस 1. तो ये जीपी जो है इसका सम कितना होगा, तो फर्स्ट टर्म आपका 1 प्लस एक्स की पावर 0, ठीक है, आर रेज टू पावर एन माइनस 1, सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स आपकी एन प्लस 1 थी, डिवीजन में 1 प्लस एक्स माइनस 1. ठीक है, ये आपका आएगा. तो दिस इज गिविंग यू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स. तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है कोफिशियंट ऑफ एक्स रेज टू पावर के. ठीक है, कोफिशियंट ऑफ x raised to power k in 1 plus x raised to power n plus 1 minus 1 upon x. ठीक है, तो आपको x की पावर k का coefficient निकालना था इस expansion में. ठीक है, तो आप समझो denominator में अगर एक x है, तो आपको numerators में क्या चाहिए, x की पावर 5 मान लो जनरेट करना रहे, तो क्या आपको जोगे ऊपर से x 6 मिले, तभी तो नीचे से x डिवाइड करेगा और x 5 बनाएगा. ठीक है, तो आपको अगर x की पावर k जनरेट कराना है, तो आपको क्या चाहिए, ऊपर से आपका x की पावर k प्लस 1 मिले, जब वो x से डिवाइड होगा तो दैट विल गिव यू x रेज टू पावर k. तो हमें क्या चाहिए, इट मींस वी वांट कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर k प्लस 1 इन 1 प्लस x रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 1. इस एक्सपेंशन में आपको x की पावर k प्लस 1 का कोफिशिएंट चाहिए. तो कितना आएगा वो, आप देखो ये थोड़ी ना कोई x की पावर k प्लस 1 जनरेट कर रहा है, यहीं से आएगा, तो कितना होगा n प्लस 1 c k प्लस 1, यही आपका आंसर होता था. और यही आपका टाइप 4 भी है. क्या है वो, थियोरेटिकली और कुछ और क्वेश्चंस के थ्रू हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे. आज का लेक्चर अपन यहीं पे एंड करते हैं. थैंक यू ऑल.